हम लोग पहुंच गए वर्सोवा स्टेशन एंड मेट्रो स्टेशन। वो मेट्रो स्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और कैसे लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम ट्रैवल करके? वेलकम बैक टू मिली बगर गाइस। सो आज हम लोग जा रहे हैं एक फूड ब्लॉग करने, और आज का फूड ब्लॉग में हमारा विगी भी आ गया है। तो अभी विगी के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो विगी आज हम लोग किधर जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं गाइस एक इंटरेस्टिंग जगह पे, वो है हम लोग गाइस अंधेरी में वर्सोवा में एक मिसल का एक न्यू आउटलेट ओपन हुआ है। न्यू आउटलेट नहीं है बट न्यू कंसेप्ट है। सो हम लोग वहाँ पे एक फूड ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं, और हमारे साथ पूरी मिली भगत टीम है आज। मेरे घर पे बताया नहीं है मैं आया हूँ। आंटी अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो, झूठ बोल रहा है आपका लड़का। मेरी मम्मी टीवी पे देखती है। तो गाइस हम लोग अंधेरी पहुँच गए, तो जहाँ हम लोग जाना है अभी वहाँ पे देखते हैं। ऑटो का फेयर ज़्यादा हो रहा है थोड़ा, तो हम लोग मेट्रो लेंगे वर्सोवा तक। सबको अपना अपना टिकट मिल गया है। नया सिस्टम लाया इन्होंने, पहले टोकन देते थे, अभी कुछ नया सिस्टम। मेट्रो से जा रहे हम लोग वर्सोवा अभी। बहुत साल बाद ट्रैवल कर रहे हैं अभी हम लोग मेट्रो में। ओ सॉरी, गैस को पकड़ा था अभी, वो अक्षय का टिकट पाने का सोच रहा था, तो हमारे लीडर जो है उन्होंने पकड़ लिया। ऐसे आते थे करता रहता, क्या करे, किधर भी लेके जाए रहेगा वो। देखो आप देख सकते हो, अभी ले ही नहीं रहे, पुलिस स्टेशन लेके जाने वाले। हार्डली सिर्फ दो स्टेशन ही हैं, मजा आएगा इस मेट्रो में। यश रिवर्स हो ये साइड है ना, इसलिए ट्रेन ये साइड जा रही है। कभी घाट को पर जाती तभी वो साइड है। फर्स्ट टाइम है भाई, फर्स्ट टाइम। तो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं वर्सोवा, और मेट्रो में आ गए तो बहुत चील लग रहा है। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए वर्सोवा स्टेशन एंड वर्सोवा मेट्रो स्टेशन। वो मेट्रो स्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और कैसे लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम ट्रैवल करके? हम लोग अभी पहुंच गए थोराट बारबेक्यू मिसल। मिसल में मिसल खाने के लिए, मिसल खाने के लिए आए छह लोग। तो आपको अभी हम लोग बताते आगे कैसे क्या होने, क्या क्या होने वाला है इधर, क्या कितने टाइप के मिसल्स है, क्या है क्या नहीं, बने रहे एकदम इनोवेटिव प्लेस है। इनोवेटिव प्लेस है, अभी आगे देखिए आपको पता चलेगा। अभी एक ये ट्रे दिया हम लोग को, इसमें दही, इसमें फिर आलू, बाकी पोहा, मटकी और कांदा और नींबू। तो बस ये अपने अपने हिसाब से मिसल के ऊपर डाल के अपने इस पे खाने का। इसमें टोटल चार टाइप के मिसल्स है। ये है कोल्हापुरी जो है स्पाइसी वाला, फिर ये है पुनेरी जो थोड़ा टैंगी और स्वीट काइंड ऑफ रहेगा, फिर ये जो है वो जैन मिसल है, और ये वाला नासिक का काला रस्सा वाला मिसल है। तो गाइस ये अपने जैसे अपने को चाहिए वैसे अपने परसान वाले बोल में लेके अपने को खाना। और ये इतने का टेस्ट कैसे है वो हम लोग टेस्ट करके बताएंगे। सो गाइस अभी इन लोगों ने नीचे थोड़ा कोल और ये डाल के थोड़ा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए बारबेक्यू जैसा इन लोगों ने बनाया। कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है हम लोग को, और अभी हम लोग एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि विग्नेश यश और चिंटू के बीच में कंपटीशन होने वाला है। हमारे ये एक बहुत आदर लोग हैं, बहुत खाने वाले लोग हैं ये लोग, तो वो सबसे ज्यादा पाव खाएगा वो विनर रहेगा। अनलिमिटेड टाइम है, जितना खाना है उतना खा सकते हो कैपेसिटी का। और हमारे पे तीन ये महारथी है जो ये कॉम्पिटिशन करने वाले हैं, और हम इधर है कॉमेंटेटर, आपको कॉमेंट्री देंगे।
क्या सोच रहा है तो नहीं खा पाएगा इतना। मैं सोच रहा हूँ खाना कैसे इतना सारा आइटम लगा दिया है। अभी विघ्नेश ने थोड़े टाइम पहले एक्सप्लेन किया था बट फिर भी मैं भूल गया। पहले पुणे का पुनेरी मिसल ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी पुणे का पुनेरी मिसल। और इधर कंपटीशन चालू हो गया सबका, देख सकते हो इसका पहला भाग खत्म हो गया है। कांदा लेके अभी ये इसने कोल्हापुर से स्टार्ट किया है, हम लोग पुणे से स्टार्ट कर रहे हैं। वो दे बोल दे कांदा दोनों भी देंगे। वो पानी निकल गया है गाइस आपके ध्यान देने। देखो तो गाइस हम लोग अभी तीनों भी कोल्हापुरी स्पाइसी वाला मिसल खा रहे हैं और एक्चुअली है स्पाइसी, बहुत स्पाइसी लग रहा है मुझे। हम लोग तो पुणे ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और मैंने नासिक लिया है, अभी सेकंड राउंड है, चौथा पाव है सब लोग का, अभी देखते कौन जीता है। मुझे तो यश को देख के हंसी आ रही है, बस मैं यश को देख के पसीना पसीना पूरा रिएक्शन देखो गीला हो गया तो एंजॉय कर रहा हूँ। थोड़ा न्यूट्रल करने के लिए हमने लस्सी मंगाया इधर। पहले हम लोग पुणे गए, फिर नासिक, फिर कोल्हापुर, फिर पंजाब। कोल्हापुर में बहुत हॉल ज्यादा हो गया, कोल्हापुर में थोड़ी वाट लगी, इसलिए पंजाब जाना पड़ा गाइस। ये बेस्ट है। जितना हो गया पाव वो तो बताओ। प्लॉट में थोड़ा ट्विस्ट हो गया है, मैं आउट दुबई ने गिव अप कर दिया है और यश भाई ने गिव अप कर दिया है, पर मेन ट्विस्ट यह है कि हमारे अक्षय जो है कॉम्पिटिशन ज्वाइन कर लिया मेरे साथ। कितना हो गया? सो हम लोग के टोटल आठ आठ तो हो गया नाइन्थ। सो लेट्स सी अभी हम दोनों में से कौन जीता। लेट्स सी। गिव अप किया है क्योंकि कल की याद आ रही थी। कल की याद आ रही थी। मैंने 10 खाया, उन्होंने 8 खाया, टोटल 12 8 खाया, 10 खाया कुछ, और मैंने गाइस 3 खाया है। वो सब बोलता नहीं। सो गाइस अभी हम लोग सबका खा के तो हो गया है, पर यहाँ बहुत बड़ा हम लोग को एक जेन्युइन प्रॉब्लम लगा, एक कंप्लेंट है हम लोग का कि इधर के जो है स्टाफ वो बहुत ये स्टाफ बिल्कुल सही नहीं लगा गाइस हम लोग आपको पूरा सीन बता दें क्या हुआ। तो हम लोग थे टोटल 6 लोग एंड फिर हम लोग ने बोला टेबल दे दो, तो उन्होंने लास्ट टेबल दे दिया हम लोग को एंड फिर बाद में एक 10-15 मिनट नहीं हुआ चालू करके, फिर वो लोग बोले कि एक 14 लोग का बड़ा बुकिंग है सो आपको टेबल शिफ्ट करना पड़ेगा। हम लोग ने सीधा डिनाई कर दिया कि आप किया था जस्ट, और हमको आके बोल रहे थे कि खाली करो खाली करो, और हम लोग और इधर अनलिमिटेड लिखा तो टाइम तो जाएगा ना, टाइम चलेगा। और हम लोग ने उनको समझाया कि हम लोग को टाइम लगा, फिर भी 4 बार आके हम लोग को ऐसे 10 बार आके बोल रहे थे कि भाई खाली करो, तो ये बहुत एम्बेसिंग भी था और ये बहुत गंदा था ये लोग का। जेन्युइन रिव्यू देगा हम लोग के टाइम पे क्या हुआ हम लोग ने आपको ये बताया, बाकी टाइम आप आओ तो फूड इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब भी जो रहता है वो भी इम्पोर्टेंट है। था जिसने बोला ये उनका जो वेटर है उसने अच्छे से बात करता था, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था बोल सकते, बट उसका जो टोन था वो था कब निकल रहे हो, कब निकल रहे हो, ये क्या है, कब निकल रहे हो, बात होने लग गया। नो डाउट फूड तो बहुत अच्छा था, फूड में कोई कंप्लेन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सर्विस हम लोग का ये थोड़ा सा करना चाहिए, नॉट एक्सेप्टेबल। सो गाइस ये हम लोग का रिव्यू है, सो मे बी आप आओ तो अभी ऐसा ना हो, सो हम लोग हमारा स्टोरी सिर्फ आपको बता रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग वर्सोवा बीच में देख सकते धूप बहुत है, थोड़ा इधर वर्सोवा के नजदीक आए हैं तो बीच जाके ही आएंगे। खाना पीना खा लिया, थोड़ा पेट भरेंगे, खा तो लिया गाइस, तो अभी थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए बीच पे वॉक करते हैं। चलो तो मिलते हैं। क्यों है बोलो भाई, मेरे खा के इधर विसर्जन करने आया लगता है। बीच खाली है अभी, अच्छा बीच है, थोड़ा हवा आ रही है, अच्छा लग रहा है। इधर बीच नियर बाय था तो हम लोग सोचा कि थोड़ा बीच पे नियर बाय था, गाइस नियर बाय। ये बीच का नाम क्या है? वर्सोवा बीच। वर्सोवा में आके भाई इंग्लिश बोलने लगा।
तो गाइज अभी बीच इज डन, अभी एक घंटा बहुत टाइम पास किया इधर, चला फिरा बहुत, अभी डाइजेस्ट हो गया सब कुछ, अभी वापस घर जाने के लिए निकल रहे हैं, सबको लेट हो रहा है अभी, सो लेट्स मीट। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर पे, ट्रेन पकड़ा अभी, तो वी हैव डन फॉर द व्लॉग। तो गाइस लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो जो पार्ट अच्छा लगा वो बताइए।